पेशाब खड़े रह के करना चाहिए या बैठ कर करना चाहिए, अच्छा कौन सा है? इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 7000 लोगों का सर्वे किया, 7000 13 देशों में, और उनको पूछा गया कि क्या आप बैठ कर पेशाब करते हो कि खड़े रहकर करते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली इन US अमेरिका में 10% लोगों ने बोला कि वो बैठकर पेशाब करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वही आंकड़ा 25% था और जर्मनी में 40% था कि जो बैठकर पेशाब करते हैं। 17% लोगों ने 17% लोगों ने बोला वो कभी कभी करते हैं, और 31% लोगों ने बोला वो कभी बैठ के नहीं करते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारे दुमत है कि भाई बैठ के करना चाहिए या खड़े के करना चाहिए। खड़े रह के करते हैं तो स्वच्छता का कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कभी उसकी जो स्ट्रीम है वो बराबर बाहर नहीं गिरी तो वो पैंट के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर गिर सकती है। कभी पूरा इरेक्शन नहीं हुआ तो आंग पे भी मतलब पेशाब गिर सकती है, पैर पे गिर सकती है, और हाइजीनिक प्रॉब्लम हो सकता है। या इरेक्शन है, सेमी इरेक्ट पोजीशन में है तो वो शायद और कहीं गिर सकती है बाहर। तो ऐसे हाइजीनिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यदि आप खड़े रह के करते हैं। तो खड़े रह के जब पेशाब करते हैं तो पेल्विक मसल जो है, नीचे की जो मसल्स है वो टाइट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और स्पाइन की जो मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रहती है क्योंकि आप खड़े रहते हो स्पाजम में या कॉन्ट्रैक्शन में। तो उसकी वजह से फिर जैसा एम्प्टी होना चाहिए उतना ब्लैडर एम्प्टी होता नहीं है, मतलब खाली होना चाहिए उतना पेशाब की थैली खाली होती नहीं। यदि आप बैठ के करते हो तो थैली पूरी खाली हो जाती है और जल्दी खाली हो सकती है, फास्ट हो सकती है। तो ये एमडीएम एक एडवांटेज है कि भाई स्वच्छता है और पूरा और जल्दी खाली होना, या बैठ कर करेंगे तो संभव है। बैठ कर करना मतलब टॉयलेट की जो सीट है उसके ऊपर बैठे हैं, उनके दोनों पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर टिके रहेंगे, सामने ऐसा बदन झुका रहेगा, हाथ जो है वो घुटनों के ऊपर रहेंगे, और ऐसे पोजिशन में बैठ कर लोग करते हैं। और उसमें बहुत अच्छा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यदि कोई सूजन है या कोई इन्फेक्शन हुआ है पेशाब के थैली में नली में तो डेफिनेटली आपको बैठ के करना चाहिए, क्योंकि उसमें जल्दी एम्प्टी नहीं होती ब्लैडर, तकलीफ होती है, तो बैठ के करना अच्छा है। अदरवाइज बैठ के करना या खड़े रहना अपना अपना चॉइस है। मगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ रहेगा तो पेशाब में तकलीफ होती है, उस समय खड़े रह के करना अच्छा है, क्योंकि उस समय जल्दी एम्प्टी करने के लिए खड़े रह के आपको फायदा होगा। फिर चॉइस खड़े रहना है या बैठना है आपका है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो करो। लोग बहुत सारे मतलब परसेंटेज में बहुत ज़्यादा है कि जब घर में रहते हैं लोग और घर के टॉयलेट में जाते हैं तो बैठ के ही करते हैं, बाहर से भी जगह संभव होगा या नहीं होगा पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर उसमें खड़े रह करते हैं। तो बैठ के या खड़े रह के चॉइस आपका है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।